नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस पार्टी में जाने का जो फैसला किया है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा में भाजपा को कड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव का वक्त है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पहले ही कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें हिसार लोकसभा सीट से फिर चुनावी मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि उनकी घर वापसी हुई है, ऐसे में अब ये खतरा मंडरा रहा है कि जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर के सैकड़ों पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी में एंट्री की है, क्या आने वाले वक्त में अनिल विज भी झटका देंगे? क्या राव इंद्रजीत सिंह भी पार्टी छोड़ेंगे? क्या प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी कोई बड़ा फैसला लेंगे या ओम प्रकाश धनखड़ कोई बड़ा ऐलान करेंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हरियाणा में हुआ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हरियाणा विधानसभा में है, 7 निर्दलीय विधायकों का साथ लेकर के, और भाजपा इस वक्त सरकार में मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज आग बबूला होते हुए नजर आए, जब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोशिशों को लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक नेताओं ने यहां पर जो बयानबाजी की है, तमाम दिग्गज नेताओं ने जिस तरीके से कहा है कि हाईकमान ने हमें दरकिनार किया है, तो क्या ये दिग्गज नेता हरियाणा में लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कोई बड़ा झटका देने वाले हैं? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।